टेस्टिंग माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स टू सी इफ दे वर्क और नॉट। तो जैसा कि तुम सबको पता है कि स्कर्ब सेंसर हमारी मूवमेंट डिटेक्टर लेता है, ये देखो। अकॉर्डिंग टू मिथ, अगर हम स्कर्ब सेंसर के ऊपर पानी फेंक देंगे तो हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिस मिथ इज बस्टेड। स्कर्ब सेंसर फिर भी हमारी मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा मिथ यह है कि अगर हम डायमंड ब्लॉक सकते हैं ऐसे और एलए को पिकेक्स पकड़ा दें तो हमारे लिए डायमंड को माइन करेगी। एलए डायमंड को लिफ्ट ही नहीं करवा रही। सो दिस मिथ इज बस्टेड। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। आज हम माइनक्राफ्ट के मिथ सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं वो सच्चे की झूठ। अगर हम स्विफ्ट एंड स्नीक की एन्चेंटमेंट लगा के स्लाइंग ब्लॉक पे चलेंगे तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो ये लगा ली मैंने एन्चेंटमेंट, तो ये नॉर्मल स्पीड है। अब ट्राई करते हैं। नो भाई, मेरी स्पीड अभी भी स्लो है। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स टू फाइंड द ट्रुथ। तो पहला मिथ ये कि हम फ्लिंट एंड स्टील को एज अ फ्यूल सोर्स भी यूज कर सकते हैं। चेक करते हैं। तो मैं फर्नेस में आके रो चिकन को रख देता हूँ यहाँ और फ्लिंट एंड स्टील को रख देता हूँ यहाँ। नो भाई, मैं तो फ्लिंट एंड स्टील को रख भी नहीं सक रहा। सो दिस मिथ इज बस्टेड। तो दूसरा मिथ ये कि वार्डन घास पर अटैक नहीं करता। लेट्स सी। तो ये मैं स्पॉन कर दिया वार्डन को और यहाँ स्पॉन कर देते हैं घास। वार्डन घास को इग्नोर कर रहा है। सही निकला ये मिथ। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स टू फाइंड द ट्रुथ। सब्सक्राइब। तो पहला मिथ ये कि अगर हम फेदर्स पकड़ के जंप मारते हैं तो हमें डैमेज नहीं होगा। देखते हैं भाई। तो मैं चढ़ गया हूँ पहाड़ पे। 1 2 3। नो भाई, डैमेज हुआ मुझे। मिथ बस्टेड। अगर हम चेस्ट के ऊपर थॉर्न्स का एन्चेंटमेंट लगाएं और उसको आयरन स्टैंड के ऊपर रखते हैं और उसे हिट करें तो हमें डैमेज होगा। यस भाई, मुझे डैमेज हो रहा है। सही निकला ये मिथ। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स टू फाइंड द ट्रुथ। सब्सक्राइब। अगर हम कोड्रोन प्लेस करें और उसके अंदर पानी डाल दें और उसके नीचे हनी ब्लॉक रखते हैं तो हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। यस भाई, मैं जंप स्पैम कर रहा हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सक रहा। मिथ कंफर्म्ड। हम बेड से भी एमएलजी कर सकते हैं। तो मुझे बेड पे जाके सिंपली राइट क्लिक करना है और जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मिथ कंफर्म्ड। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स टू सी इफ दे वर्क और नॉट। तो पहला मिथ ये है कि अगर हम मैग्मा ब्लॉक के सामने खड़े हो जाते हैं और स्पाइडर स्पॉन करते हैं तो हमें नहीं मारेंगे। अच्छा भाई, तो भाई ये मैं आ गया हूं मैग्मा में क्राउच करके और यहां मैं स्पॉन कर लेता हूं स्पाइडर्स। यस भाई, दिस मिथ इज कंफर्म्ड। भाई स्पाइडर हमें इग्नोर कर रहे हैं उल्टा। मिथ सही निकला। ओ भाई। तो दूसरा मिथ ये है कि हम रेडस्टोन ब्लॉक के ऊपर पानी नहीं रख सकते भाई। यस, हम रेडस्टोन ब्लॉक के ऊपर पानी नहीं रख सकते। सही निकला ये मिथ। और हाँ, तुम सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। माइनक्राफ्ट 1.20 के मिथ्स, और क्या ये सच में काम करते हैं? लेट्स सी। क्या हम हैंगिंग साइंस को ग्लो कर सकते हैं? यस, हम ग्लो कर सकते हैं। क्या हम साइंस को डाई कर सकते हैं? हम डाई भी कर सकते हैं। मिथ कंफर्म्ड। तुम्हें तो पता है अगर हम कैमल के ऊपर बैठ जाते हैं तो हमें कोई मॉब रीच नहीं कर सकता। क्या एंडरमैन रीच कर सकता है? नो भाई, एंडरमैन रीच नहीं कर सकता। मिथ कंफर्म्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स, नो वन नोज। अगर हम एलए को स्पॉन कर दें और उसे केक दे दें और केक नीचे प्लेस कर दें तो उसको ले लेगी। नो भाई, एलए तो केक को लिफ्ट भी नहीं करवा रही। सो दिस मिथ इज बस्टेड। तो दूसरा मिथ ये है कि हम स्नो गोलम को अंडर वाटर स्पॉन नहीं कर सकते। अच्छा भाई, ये स्पॉन हो गया स्नो गोलम। यस, वो स्पॉन हो गया लेकिन वो अंडर वाटर बच भी नहीं सका। गलत निकला ये मिथ। हम स्नो गोलम को अंडर वाटर स्पॉन कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। आज हम माइनक्राफ्ट के मिथ सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं सच्चे की झूठ। अगर हम कोल्ड रूम के अंदर पानी डाल दें तो हम वाटर के अंदर फिशिंग कर सकते हैं। नो भाई, मुझे नहीं लगता। मिथ फेक लग रहा है। शीप स्लैब के थ्रू ग्रास खा सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये रख दी मैंने स्लैब, फेंस लगा देते हैं और ये स्पॉन कर दी मैंने शीप। मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ लेकिन ये शीप्स ग्रास नहीं खा रही। अमेजिंग शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स टू फाइंड द ट्रुथ। तो पहला मिथ ये है कि अगर हम पाउडर स्नो के ऊपर कॉर्पिट रख दें तो हम उसे फॉल डैमेज नहीं ले सकते। अच्छा भाई, तो ये मैं रख दिया पाउडर स्नो और उसके ऊपर रखते हैं कॉर्पिट। 1 2 3। व्हाट, हाउ इज इट पॉसिबल भाई? मिथ सही निकला। तो दूसरा मिथ ये है कि हम मशरूम ब्लॉक को एज अ फ्यूल सोर्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने फूड रख दिया है। हम मशरूम ब्लॉक को फर्नेस में रख भी नहीं सक रहे। सो दिस मिथ इज बस्टेड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स। क्या हम बकेट ऑफ फिश कोल्ड्रन में प्लेस कर सकते हैं? तो ये क्या कोल्ड्रन और ये की बकेट ऑफ फिश? नो भाई, हम कोल्ड्रन में बकेट ऑफ फिश प्लेस नहीं कर सकते। हम पाउडर स्नो से मर भी सकते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। क्या ये सेम चीज कोल्ड्रन के साथ हो सकती है? ये क्या कोल्ड्रन और इसके अंदर प्लेस कर दी पाउडर स्नो, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब्सक्राइब कर लो भाई। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स। अगर हम ड्रिप लीफ के सामने रेडस्टोन ब्लॉक रखते हैं तो ड्रिप लीफ डीएक्टिवेट नहीं होगा। अगर हम नॉर्मली ड्रिपस्टोन पे चढ़ते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाता है और ये लगा दिया रेडस्टोन ब्लॉक। यस भाई, ड्रिप लीफ डीएक्टिवेट नहीं हो रहा। मिथ कंफर्म्ड। अगर हम अपने डॉग को नेम टैग टॉमी दे दें तो वो हमें नहीं मारेगा। चेक करते हैं। तो ये मैंने नेम टैग दे दिया टॉमी। ये ले भाई टॉमी।
अब इसको मारते हैं। नहीं भाई, टॉमी मेरे पीछे पड़ गया है। मिथ बस्टेड, सब्सक्राइब कर लो भाई। आज हम माइनक्राफ्ट 1.19 के मिथ सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं वो सच है कि झूठ। पिलीजर आउटपोस्ट के नीचे हमेशा एंशिएंट सिटी होता है, चेक करते हैं। तो ये मैं पहुंच गया हूं पिलीजर आउटपोस्ट पे। स्पेक्टेटर मोड में जाते हैं, आउटपोस्ट के नीचे जाते हैं। नो भाई, मैं वॉइड के अंदर आ गया हूं, लेकिन दूर दूर तक एंशिएंट सिटी नजर नहीं आ रही। गलत निकला ये मिथ। अगर हम डिफरेंट आइटम्स को उल्टा नाम दे देते हैं तो फिर भी स्टैक हो सकते हैं। ड्रिपस्टोन ब्लॉक को मैं नाम देता हूँ ग्रास, सप्रूस प्लैंक को मैं नाम देता हूँ रूट्स। अब देखते हैं भाई। नहीं, गलत निकला ये मिथ। हम डिफरेंट आइटम्स को स्टैक नहीं कर सकते। बाय द वे, मेरा कमेंट सेक्शन मिथ से भर दो, और अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम माइनक्राफ्ट 1.20 के मिथ सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि सच है कि झूठ। क्या हम बैम्बू डोर के थ्रू एरो पास कर सकते हैं? लेट्स सी। ये मैंने प्लेस कर दिया बैम्बू डोर। नो भाई, डोर के थ्रू एरो नहीं पास हो रहे। चलो, माइनक्राफ्ट की लॉजिक तो सही हो गई। मिथ बस्टेड। क्या हम चीजें बुकशेल्फ के पीछे से बुक स्टोर कर सकते हैं? यस, हम पीछे से भी बुक स्टोर कर सकते हैं। मिथ कंफर्म्ड। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट इज डेड विल ब्लो योर माइंड। हम TNT को इग्नाइट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिशिंग रॉड। चेक करते हैं भाई। तो ये मैंने लगा दिया TNT और यहाँ प्लेस कर देते हैं लावा को और फिशिंग रॉड शूट करते हैं। ओ भाई साहब, दिस एक्चुअली वर्क्स। सही निकला ये मिथ। क्या हॉर्स इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा सकता है? अभी चेक करते हैं। तो ये मैं सर्वाइवल में आ गया हूँ, अब इसको इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खिलाते हैं। ये मेरे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा रहा है और खा ही जा रहा है, कंटिन्यूसली, रुक ही नहीं रहा। बाय द वे, मिथ कंफर्म्ड। सब्सक्राइब कर लो भाई। तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के कुछ वायरल मिथ बस्टर्स और देखेंगे सच है या झूठ। सो लेट्स चेक इट आउट। नॉर्मली तुम सबको पता होगा कि हम फेंस से कभी जंप नहीं मार सकते, लेकिन मिथ कहता है कि अगर हम फेंस के आगे आग लगा दें तो हम जंप कर सकते हैं। 1, 2, 3। नहीं। सो दिस मिथ इज बस्टेड। जो दूसरा मिथ है वो हमारे नए मॉब के लिए, जिसका नाम है फ्रॉग। कहते हैं अगर हम फ्रॉग को यहाँ स्पॉन कर दें और उसके सामने मैग्मा क्यूब रख दें तो उसको खाता है। मैं सोर्ड ले लेता हूँ। अभी नहीं खाएगा, अभी इसके छोटे पीसीज होंगे, अब खाएगा। वो खा गया। वो ये क्या चीज़ हगता है भाई? ये क्या चीज़ है वाइट कलर की? ये क्या चीज़ है? इसको भी खा गया। ये है फ्रॉग लाइट, तो मतलब ये लाइट निकालता होगा। यार मैंने अब रात कर ली, अब देखते हैं इस फ्रॉग लाइट से होता क्या है। ओ भाई देखो कितनी प्यारी लाइट है ये, चेक करो। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स टू सी इफ दे वर्क और नॉट। तो पहला मिथ ये है कि हम स्केलेटन हॉर्स पर हेल्थ का पोर्शन मारेंगे तो उसे डैमेज होगा। वक्री लॉजिक है भाई इनकी भी। तो मैंने यहाँ स्केलेटन हॉर्स स्पॉन कर दिया है, अब हम इसके ऊपर मारते हैं हेल्थ का पोर्शन। इसको तो डैमेज मिल रहा है। ओ भाई, दो बोतलों में तो इसकी स्वाहा हो गई भाई, इतना कमजोर दिल है भाई स्केलेटन हॉर्स का। तो दूसरा मिथ ये है कि अगर हम कर्स ऑफ बिल्डिंग की कोई भी इंचेंट किसी भी आइटम को लगा दें तो दोबारा डिसएंचेंट नहीं हो सकती। तो मैंने अपना ग्रिंडस्टोन रख लिया यहाँ, अब हम इसके अंदर डालते हैं कर्स ऑफ बिल्डिंग की एंचेंटमेंट। और हाँ, कर्स ऑफ बिल्डिंग की एंचेंटमेंट लगी हुई है, उतरी नहीं है। सो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। तो भाई तुम सब भी अगला स्टेप ले लो सब्सक्राइब करने का। आज हम माइनक्राफ्ट के मिथ सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं सच है कि झूठ। मैंग्रोव स्वैम बायोम में हमेशा ट्रॉपिकल फिश होती हैं। तो ये मैं आ गया स्वैम बायोम में, और यस भाई ये ट्रॉपिकल फिश है। मिथ कंफर्म्ड। बैट को लावा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, ये लो भाई, बैट तो लावा से मर रहे हैं। सो दिस मिथ इज बस्टेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट मिथ्स नो वन नोस। सब्सक्राइब। अगर हम गोलम को क्रैक का नेम टैग देते हैं तो वो क्रैक हो जाएगा, देखते हैं भाई। तो ये रख दिया मैंने नेम टैग और यहाँ हम लिखते हैं क्रैक। तो मैंने क्रैक का नेम दे दिया और ये स्पॉन हो गया अपना आयरन गोलम। ये ले आयरन बेटा, ये ले क्रैक। मैंने इसको क्रैक का नेम टैग दे दिया लेकिन वो क्रैक नहीं हुआ। ऑब्वियसली मिथ बस्टेड। अगर हमने इस तरह से फेंस लगाया तो हम उसके पास से गुजर सकते हैं। यस, मैं गुजर सक रहा हूँ भाई। सही निकला ये मिथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स नो वन नोस। तो अगर हम वार्डन को फ्लेम वाली बो से मारेंगे तो उसे डैमेज होगा, देखते हैं भाई। तो मैंने इंचेंट कर लिया फ्लेम वाली बो, अब स्पॉन करते हैं वार्डन को। यस, वार्डन को डैमेज मिल रहा है। सो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। तो अगर हम ब्लेज को वॉटर से मारेंगे तो हमें ब्लेज रोड नहीं देगी, चेक करते हैं। तो यहाँ मैं स्पॉन कर दिया ब्लेज को और मैं शीशा बंद कर देता हूँ। यस, ब्लेज को डैमेज तो हो रहा है, अब देखते हैं वो हमें रोड देगी या नहीं। यस, ब्लेज मर गई है लेकिन उसने हमें रोड नहीं दिया। सो दिस मिथ इज बस्टेड। अमेजिंग शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट मिथ्स दैट विल ब्लो योर माइंड। अगर हम कारपेट पे चले तो स्कल्प सेंसर हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, चेक करते हैं भाई। ये मैं लगा देता हूँ कारपेट और यहाँ प्लेस करते हैं स्कल्प सेंसर को। अगर मैं ग्रास पे चलूँ तो स्कल्प सेंसर हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहा है। नो भाई, कारपेट पे मूवमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। सही निकला ये मिथ। अगर हम शीप को नेम टैग जैप देंगे तो वो अपने कलर चेंज करने लग जाएगी, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। ये मैंने नेम टैग दे दिया जैब,
और ये दे दिया नेम टैग शीप को, और यस वो अपने कलर कंटिन्यूसली बदली जा रही है। अगर हम इसको मार के देखें तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? यस हमें व्हाइट वूल ही मिलेगी। अब तुम सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्री डेट विल ब्लो योर माइंड, सब्सक्राइब। हम शीर्स को इंटेंट नहीं कर सकते, ये किस किताब में लिखा है भाई? इंटेंट करके देखते हैं। ये देखो भाई, हम शीर्स को इंटेंट कर सकते हैं। हम शल्कर बॉक्स को शल्कर बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते, तो ये मैंने खोले शल्कर बॉक्स, इसके अंदर रखते हैं। यस भाई, मैं शल्कर बॉक्स को अंदर नहीं रख सकता। अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई। टेस्टिंग माइनक्राफ्ट मिस्ट्री टू फाइंड द ट्रुथ। अगर हम फायर पे हैं तो हम ऑकवर्ड पोशन से अपनी फायर बुझा सकते हैं। तो ये मैंने लगा ली फायर और ये गया ऑकवर्ड पोशन। नो भाई, मुझे अभी तक आग लग रही है। मिथ बस्टेड। अगर हम एक आर्मर स्टैंड को जला देंगे तो वो गायब हो जाएगा। अगर हम अपने आर्मर पर फायर प्रोटेक्शन लगाएं और देन उसको पहना दें और देन उसको आग लगा दें। ओ देखो, आर्मर स्टैंड अब नहीं जल रहा। वो आर्मर स्टैंड जल गया, लेकिन हमारा नेदरराइट चेस्ट प्लेट सही है। मिथ कंफर्मड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। अगर हम स्लो फॉलिंग वाला पोशन पी के पानी में जाके जंप दबाएंगे तो हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। चेक करते हैं भाई। यस भाई, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। सही निकला ये मिथ। अगर वार्डन पिगलिन ब्रूड को हिट करता है तो पिगलिन ब्रूड ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन बन जाएगा। ये आ गया हमारा वार्डन, ये आ गया पिगलिन ब्रूड। नो भाई, पिगलिन ज़ॉम्बीफाइड नहीं बना, तुम स्लो मोशन में भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। वायरल माइनक्राफ्ट के मिथ्स। हम स्पाइडर को इनविजिबल नहीं कर सकते। अच्छा भाई, तो मैंने पोशन ले लिया और ये फेंक दिया पोशन। ओ भाई, स्पाइडर इनविजिबल हो गई है लेकिन उसकी आई ग्लो कर रही है। लावा हमारे आर्मर को नहीं जलाता, तो ये ले लिया मैंने आर्मर और ये रहा लावा। चलो भाई मजे करो। नहीं भाई, सब कुछ गया। लावा हर चीज को खा जाता है सिवाय नेदरराइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट के मिथ्स। अगर हमने साइन को ग्लो किया तो हम उसको अनग्लो कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल इंक सैक। 3-2-1 और यस इट वर्क्स। मुझे नहीं पता था ये वर्क करेगा। अगर हमने कोल्ड्रन प्लेस किया और उसके अंदर वाटर डाला और कोल्ड्रन में कंक्रीट पाउडर डाला तो कंक्रीट ब्लॉक बन जाएगा। इम्पॉसिबल लगता है, तो ये मैंने डाल दिया कंक्रीट पाउडर और अब इसको लेते हैं। कंक्रीट पाउडर ही है, कंक्रीट ब्लॉक नहीं बना। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। कुछ वायरल माइनक्राफ्ट के मिथ्स। अगर हम चेस्ट के ऊपर कोई भी ब्लॉक रखते हैं तो चेस्ट नहीं खुलती, लेकिन अगर हम चेस्ट के ऊपर हनी ब्लॉक रख देंगे तो चेस्ट खुल जाएगी। मिथ कंफर्म्ड। अगर हम डोर की जगह लाइटिंग रोड यूज करें तो हम अंदर बाहर हो सकते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं। सब्सक्राइब कर लो भाई। कुछ वायरल माइनक्राफ्ट के मिथ्स। अगर हम क्राइंग ऑब्सीडियन को टिल्टेड ग्लास से कवर कर देंगे तो हमें क्राइंग ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन लगेगा। तो ये रख दिया मैंने क्राइंग ऑब्सीडियन और इसको कवर करते हैं ग्लास से। थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं लग रहा। हम सफोकेशन को वाटर ब्रीथिंग के पोशन से रोक सकते हैं। नो भाई, मुझे तो फिर भी डैमेज हो रहा है। सब्सक्राइब कर लो भाई। टॉप माइनक्राफ्ट 1.20 के मिथ्स। अगर हम हॉर्स के ऊपर बैठ के पोलर बियर को मारेंगे तो पोलर बियर हमें दोबारा नहीं मारेगा। चेक करते हैं भाई। तो ये क्या मेरा हॉर्स और ये मैंने मार दिया पोलर बियर को। मुझे पोलर बियर मार रहा है भाई, स्वाहा हो गया भाई। अगर हम पाथ ब्लॉक पे खड़े होते हैं तो हमारी शेडो गायब हो जाएगी। अब मेरे नीचे शेडो है, लेकिन अगर मैं पाथ ब्लॉक पे जाऊंगा तो मेरी शेडो खत्म हो गई है भाई। ये क्या लॉजिक है? बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स और ये क्या सच में काम करते हैं? देख के पता चलेगा। अगर हम पिस्टन के आगे पानी रख देते हैं और देन उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो पानी रुक जाएगा। लेट्स सी। तो ये मैंने रख दिया पानी, पिस्टन को एक्टिवेट करते हैं। ओह यस, पानी रुक गया भाई। मिथ सही निकला। अगर हम बोर्ड विद चेस्ट लेते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनविल्स रख देते हैं तो हमारी बोर्ड डूब जाएगी। ये मैंने रख दी बोर्ड विद चेस्ट और इसके अंदर रख देते हैं एनविल। ऑब्वियसली मिथ बस्टेड। सब्सक्राइब कर लो। बस्टिंग माइनक्राफ्ट मिथ्स टू फाइंड द ट्रुथ। तो पहला मिथ है कि हम एन्चेंटिंग टेबल पे गोल्डन एप्पल को एन्चेंट कर सकते हैं। लेट्स सी। ये क्या हमारा लैपिस लजूली? नो, दिस मिथ इज बस्टेड। तो अगर तुम सबको आग लग गई है तो तुम पाउडर स्नो बकेट से भी हटा सकते हो। मिथ कंफर्म्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। आज हम माइनक्राफ्ट के मिथ सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हो सच्चे की झूठ। पिस्टन साइन बोर्ड को पुश नहीं कर सकता। चेक करते हैं भाई। तो ये क्या साइन बोर्ड, ये क्या पिस्टन? नो भाई, हम साइन बोर्ड को पुश नहीं कर सकते। माइनक्राफ्ट मिथ्स और आज हम देखने जा रहे हैं ये काम करते हैं या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। तो पहला मिथ ये है कि हम विदर को इनविजिबल नहीं कर सकते। अच्छा भाई, देखते हैं। ये हो गया अपना विदर स्पॉन। अब यहाँ इसके ऊपर आते हैं पोशन ऑफ स्प्लैश। ओ भाइयो, मैं इसको मारी जा रहा हूँ, इस पर फर्क ही नहीं पड़ता। सो दिस मिथ इज बस्टेड। भाई मैं तो खुद गायब हो गया भाई। तो दूसरा मिथ ये है कि हम गोल्ड नगेट को एज अ फ्यूल सोर्स यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया फर्नेस को। या हम डालते हैं रॉ चिकन। नो भाई, हम तो नगेट को रख भी नहीं सक रहे। सो दिस मिथ इज बस्टेड। और हाँ, तुम सब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।
माइनक्राफ्ट मिथ्स लिटरली 1% पीपल नोज। तो अगर हम फ्लेम वाली बो से वाटर कोल्डन में डालेंगे एरोस तो उसका पानी गायब हो जाएगा। लेट्स सी। तो मैंने इंटेंट कर लिया फ्लेम बो, अब हम इसके ऊपर एरो मारते हैं। वेट, यस, पानी गायब हो रहा है, 3 शॉट्स में पानी गायब हो गया। सो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। तो अगर हम पाउडर स्नो के ऊपर कारपेट रखेंगे तो हम उसके ऊपर जंप नहीं मार सकते। देखते हैं भाई, ये मैंने रख दिया कारपेट, अब जंप करते हैं। नो, दिस मिथ इज बस्टेड, हम फिर भी जंप कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। तो आज हम देखे जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मिथ्स और देखेंगे मिथ सच हैं या झूठ। सो लेट्स चेक इट आउट। तो पहला मिथ ये है कि हम स्टेन ग्लास के पीछे से बादलों को नहीं देख सकते। अच्छा भाई, ये मैं लगा दिया स्टेन ग्लास। हाँ भाई, दिस मिथ इज कन्फर्म्ड, ये देखो। तो दूसरा मिथ ये है कि अगर हम वॉइड में गिरते हैं तो हम टोटम ऑफ फंडाइन को यूज नहीं कर सकते। देखते हैं भाई। तो भाई, मैंने टोटम ऑफ फंडाइन को पकड़ लिया अपने हाथ में और हम यहाँ से अपने गेम मोड को कर लेते हैं सर्वाइवल में। यस, नो भाई, हम टोटम ऑफ फंडाइन को यूज ही नहीं कर सकते वॉइड में। सो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो तीसरा मिथ ये है कि अगर हम 2 फ्लिंट एंड स्टील और 4 एंडर आय को क्राफ्टिंग टेबल में रखेंगे तो वार्डन स्पॉन हो जाएगा। भाई, जिस बंदे ने ये मिथ लिखी है ना, वो बंदा भाई साइंसदान है भाई। फ्लिंट एंड स्टील को ऐसे रखा और यहाँ रख लिया आई ऑफ एंडर ऐसे, ये रहा अपना वार्डन। देखो भाई, हमारा वार्डन स्पॉन हो गया है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। टॉप माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स और हम देखेंगे काम करते हैं या फिर नहीं, देख के ही पता चलेगा भाई। तो पहला मिथ ये है कि अगर हम एले को बो से मारेंगे तो हमारी बो बाउंस हो जाएगी। अच्छा भाई, तो ये गई एले, अब हम इसको मारते हैं बो। हाँ, हमारी बो बाउंस हो रही है, उसको एरो लग ही नहीं रही, मिथ सही निकला। तो अगर हम वार्डन का नेम विलियम रख दें तो वो ग्लो करने लगेगा। चेक करते हैं भाई। तो ये गया अपना नेम टैग विलियम, ये आ गया हमारा वार्डन बेटा। ये देखो भाई, मेरे वार्डन का नाम विलियम दे दिया, ये तो ग्लो करने लग गया भाई, सच्ची ग्लो करने लग गया। सो दिस मिथ इज बस्टेड। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। माइनक्राफ्ट 1.19 मिथ्स यू मस्ट नो। तो पहला मिथ ये है कि वार्डन को सोल फायर से डैमेज होती है। देखते हैं भाई। तो मैंने यहाँ ट्रैप बिछा दिया, अब आग लगा देते हैं। और ये गए हमारे वार्डन भैया, एंड सी, वार्डन को तो डैमेज ही नहीं हो रहा, कैसा जानवर है भाई तू वार्डन, मैं नहीं बताऊंगा। सो दिस मिथ इज बस्टेड। तो दूसरा मिथ ये है कि अगर हम डर्ट पर वाटर बोटल डालेंगे तो मड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स सी। यस, मुझे सच्ची नहीं पता था, ये भी हो गया। सो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। आज हम माइनक्राफ्ट के मिथ सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं वो सच है कि झूठ। ग्रास ब्लॉक और हे बेल का साउंड सेम है। अच्छा भाई, चलो प्लेस करते हैं। यस, दिस इज एक्चुअली ट्रू, ये मैंने नोटिस नहीं किया था, बट एक्चुअली मिथ कन्फर्म्ड। वार्डन को मैग्मा ब्लॉक से डैमेज होता है। टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने बहुत ज्यादा मैग्मा ब्लॉक प्लेस कर दिए, ये स्पॉन हो गए वार्डन भाई। नो भाई, वार्डन भाई डैमेज नहीं ले रहे, तो गलत निकला ये मिथ। अब तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो।